पिछले 1.5 महीने से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। नेता साथ छोड़ रहे हैं, गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट जमानत देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में जेल में बंद केजरीवाल खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। यही कारण है कि केजरीवाल बची कुची साख बचाने के लिए अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बार कुर्सी छोड़ दी तो फिर वापस कुर्सी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्टी बंट जाएगी और केजरीवाल खाली हाथ रह जाएंगे। वैसे जेल में बैठकर सरकार चलाने की बात करने वाले केजरीवाल को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब उनके मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राजकुमार ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और अब राजकुमार ने केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए मायावती के हाथी को अपनी अगली सवारी के तौर पर चुन लिया है। राजकुमार आनंद ने सवारी ही नहीं बल्कि केजरीवाल के खिलाफ ताल भी ठोक दी है। बसपा के टिकट पर राजकुमार आनंद नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सोमनाथ भारती मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही हैं। राजकुमार ने मैदान में उतरकर गठबंधन की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली में दलित वोटों की संख्या तकरीबन 20% बताई जाती है। राजकुमार आनंद ने जब इस्तीफा दिया था तब केजरीवाल पर दलितों के अनदेखी करने का आरोप लगाया था और अब बसपा का दामन थामते हुए कह दिया है, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी पार्टी में वापस आ गया। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार आनंद ने बीएसपी का दामन थामा है, जिसका दिल्ली में कोई वजूद नहीं, 2019 में इस बीएसपी पार्टी को 1% वोट मिला था, वो किसी राजनीति के तहत उठाया हुआ कदम लगता है, क्योंकि अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। ऐसे में अगर बीजेपी की बांसुरी स्वराज जीत जाती हैं, तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा दिल्ली का गणित भी समझा देते हैं कि दिल्ली में बसपा की क्या स्थिति है। दिल्ली में करीब 20% दलित वोटर्स हैं। बसपा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। 2008 में उसके 2 विधायक जीते थे। 2013 में पार्टी को झटका लगा और एक भी विधायक नहीं जीता। बसपा ने साल 2009, 2014 और 2019 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 9% वोट मिला। 2014 में ये घटकर 6% रह गया और 2019 में ये सिर्फ 1% पर आ गया। तो सवाल उठता है कि 20% जो कोर वोट दलित वोटर था बीएसपी का, जो उसका कोर वोटर माना जाता था, आखिर वो गया कहाँ? तो आपको बता दें कि दलित वोटर्स का एक बड़ा धड़ा बीजेपी की तरफ खिसक चुका है, कुछ हिस्सा कांग्रेस और कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया है और बसपा के पास अब सिर्फ 1% वोट बचा है। ऐसे में जब 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है राजकुमार आनंद बसपा के कोर वोटर को बसपा के फेवर में लेकर जरूर आएंगे, जो गठबंधन के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने दिल्ली में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है, जो गठबंधन के समीकरण बदलने के लिए काफी है। तो केजरीवाल के मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने पूरी दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ मुहिम बनाने की ठान ली है। तो फिर ऐसे में केजरीवाल मुश्किलों के भरों में फंस गए हैं और जो केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा के हिसाब से जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ अब खाली रह सकते हैं, बल्कि जो जमीन उनके पास है वो भी खिसक सकती है, क्योंकि राजकुमार आनंद लगातार जनता के बीच जाकर केजरीवाल को दलित विरोधी बता रहे हैं, केजरीवाल के राज खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार बता रहे हैं और कह रहे हैं जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में वो धरने पर बैठे थे, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो लड़े थे और लड़कर सत्ता पर काबिज हुए थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया है और अब गठबंधन करके चुनाव भी लड़ रहे हैं। और जब एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री की पोल खोलने पर उतर जाए तो फिर उससे बुरा क्या ही हो सकता है दोस्तों। लोग अब केजरीवाल को आरोपी मानने लगे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि सबूत देखने के बाद आप आरोपी लगते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को लगातार झटके लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस वक्त आम आदमी पार्टी को बनाया गया था, उस वक्त जो लोग थे, संस्थापक जो सदस्य थे, वो भी अब केजरीवाल का साथ छोड़ने लगे हैं। ऐसे में केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाता है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में केजरीवाल दलित विरोधी हैं? आप भी इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के नेताओं की गले की फांस बना हुआ है, तो दूसरी तरफ ईडी ने शराब घोटाले में ही एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे देश भर के नेताओं में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा देने वाला फैसला लिया है। जी हाँ, केजरीवाल के बाद अब कांग्रेसियों पर भी गिरने जा रही है ईडी की गाज। तो कैसे छत्तीसगढ़ में हुआ ईडी का भयंकर एक्शन, कैसे हुई 205 करोड़ की संपत्ति जब्त,
कैसे जेल में सड़ रहे केजरीवाल की बड़ी टेंशन आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपने प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 205 करोड़ 49 लाख की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर डेभर और अन्य की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपी विधु गुप्ता को यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है। विधु गुप्ता की कंपनी ने शराब की बोतलों पर चिपकाने के लिए प्रिज्म होलोग्राफी बनाई थी। इसी कंपनी के लिए 8 पैसे कमीशन तय किया गया था। दरअसल ईडी ने 8 पैसे की कमीशन से ही अपनी जांच शुरू की थी। सबूत जुटाए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि खुलासा हुआ कि कंपनियों से फर्जी होलोग्राम बनवाकर बोतलों पर लगाकर फर्जीवाड़ा दिखाकर तकरीबन 2000 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। खैर, दिल्ली और छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला थोड़ा मिलता जुलता ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया ही इस घोटाले में शामिल हैं, बल्कि सरगना हैं। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस राज्य में रहे आला अफसरों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। अब आरोपियों से एक एक रुपए का हिसाब किताब लिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि करोड़ों की कीमत की संपत्ति जब्त की गई है। तो कैसे छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, चलिए बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ शराब घोटाला? दरअसल पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने नियम बनाया था कि सभी एजेंसियों से शराब की खरीदी शासन के जरिए की जाएगी, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उसके इशारे पर अफसरों ने इसमें संशोधन कर दिया। शराब नीति में बदलाव कर FL-10 लाइसेंस का नियम बनाया। अपनी चहती 3 फर्मों को इसकी सप्लाई का जिम्मा दे दिया। इस दौरान नकली होलोग्राम की भी सप्लाई करवाई गई और इन्हें बोतलों पर चिपकाया गया। इसके जरिए बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। हर महीने 200 गाड़ियां शराब की सप्लाई इन एजेंसियों के माध्यम से करती। 800 कैंस प्रति गाड़ी में अवैध शराब के रखे जाते थे। 560 रुपए के प्रति प्रकरण के हिसाब से शराब मंगवाई जाती थी, जिसे 2880 MRP पर बेचा जाता था। इसी तरीके से 2019 से लेकर 2022 तक सरकार ने 2061 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया। यानी कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब अफसरों की मिलीभगत से राज्य में शराब माफिया अवैध शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाकर बेच रहे थे। तो चालाकी से कांग्रेस राज में सरकार की मिलीभगत से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। इस घोटाले में जांच हुई तो रडार पर IAS अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर एजाज अनवर के भाई अनवर डेभर समेत शासन प्रशासन के कई लोगों पर आई। एक के बाद एक आरोपी की संपत्ति जब्त की गई। जल्दी हालात बता रहे हैं कि जांच की आंच भूपेश बघेल तक भी पहुंच सकती है। जो हालात अभी केजरीवाल के जेल में हो रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के इस घोटाले में हो सकते हैं। बड़े बड़े नेता इस घोटाले में फंस सकते हैं और भूपेश बघेल पर भी गाज गिर सकती है।